स्वर्णिम विजय साल नूं समर्पित मशाल यात्रा दा जिला हुशियारपुर ते टांडा पहुंचण ते जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान 1971 दे जेतू सैनिकां ते उन्हां दीआं विधवा पत्नियां नूं सन्मानित भी किया गया। इस दौरान देश भगती दा प्रोग्राम भी करवाया गया। कप्तान लंकेश ठाकुर ने दस्सिया कि 1971 विच वीर सैनिकां दी याद विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वल्लों 4 मशाल यात्रावां नूं भारत यात्रा ते भेजिया गया है, जो वख-वख शहरां ते पिंडां विच जा के अपने वीर सैनिकां दीआं वीर कथावां नूं लोकां तक पहुंचा रही है। इस मौके ते कमांडर राकेश सिंह भी विशेष तौर ते मौजूद सन। 1971 दी लड़ाई लड़ चुके साबका कर्नल राम सिंह ने दस्सिया कि 3 दिसंबर 1971 दी शाम नूं उन्हां नूं पाकिस्तान ते हमला करन दा आदेश मिलिया सी अते 4 दिसंबर नूं सवेरे उन्हां ने पाकिस्तान ते हमला कर दित्ता सी। उन्हां ने दस्सिया कि जिन्हां वीर सैनिकां ने पाकिस्तान ते 39,000 सैनिकां नूं कैद कीता सी, उन्हां विचों 12,000 सैनिक उन्हां कोल कैद सन। अज दा दिन बहुत खास है कि असीं अपने वीर सैनिकां नूं याद कर रहे हां। आज के कार्यक्रम में जैसा आपको पता ही है, ये आज का कार्यक्रम स्वर्णिम विजय वर्ष की सेलिब्रेशन के लिए है। ये स्वर्णिम विजय वर्ष इसलिए सेलिब्रेट किया जा रहा है क्योंकि इस साल हमारे भारत को इंडो पाकिस्तान वॉर 1971 के इंडो पाकिस्तान वॉर को 50 साल पूरे हो रहे हैं, और इस 50 साल पूरे होने की सेलिब्रेशंस में और हमारे जो मार्टिर हैं जो इस वॉर में शहीद हुए थे उनको याद करने के मतलब से हम ये इवेंट कर रहे हैं। इसमें जो विजय मशाल है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 16 दिसंबर 2020 को नेशनल वॉर मेमोरियल न्यू दिल्ली में प्रज्वलित करी गई थी। वहाँ से ये ऐसी 4 मशालें हैं जो हिंदुस्तान के चारों कोनों में जा रही हैं, उसमें से एक मशाल आज हमारे बीच यहाँ पे टांडा में पहुँची है। ये मशाल वापस 16 दिसंबर 2021 को जब 50 साल पूरे हो जाएंगे दिल्ली में ही वापस पहुँचेगी और वहाँ पर भव्य समारोह होगा। अभी ये मशाल हम मनाली अटल टनल से लेते हुए आ रहे हैं, पालमपुर और धर्मशाला जैसी जगहें कवर करके हम आज टांडा में पहुँचे। मैं शुरू हुई थी, हमें ऑर्डर मिले थे उसके लिए क्रॉस करने के लिए। आज हम उसी खुशी को मनाने के लिए इधर इकट्ठे हुए हैं। उसमें हमने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया, जो बांग्लादेश बना और वेस्ट पाकिस्तान बना। इसमें हमने 93,000 प्रिजनर जो थे वो पाकिस्तान के कैदी किए। फिर बाद में हमने उनको छोड़ा कि मुझे भी मौका मिला प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में नौकरी करने का। मेरे पास भी तकरीबन 12,000 प्रिजनर ऑफ कैंप थे, प्रिजनर थे। तो आज के उपलक्ष्य में तो यही है कि ये बहुत अच्छा लग रहा है। हमने ये नई जनरेशन जो है उसको समझ में आए कि हमने कैसे कैसे लड़ाई लड़ी थी और भारत के लिए क्या कुछ हमने किया है। तो इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ। टांडा तो द स्टेलर न्यूज़ की रिपोर्ट।